इंदौर से खबर, जहां दिवाली के बाद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जिस तरह इंदौर में तेजी से बढ़ा था, अब उन कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। 25 दिन के बाद सबसे कम 402 मरीज इंदौर में मिले हैं। अब एक्टिव मरीजों की संख्या इंदौर में 5000 से कम हो गई है। अब तक बता दें आपको, इंदौर शहर में कोरोना की वजह से 814 मरीजों की जान जा चुकी है, उनकी मौत हो चुकी है। बीच में ज़रूर कोरोना के आंकड़े इंदौर शहर से रोज़ाना टेस्टिंग के आधार पर जो सामने आ रहे थे वो डरा रहे थे, लेकिन अभी रफ्तार कोरोना मरीजों की संख्या में रफ्तार में ज़रूर थोड़ी कमी आई है। इंदौर शहर की बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश में इंदौर शहर एक तरह से कोरोना का एपिसेंटर बना है, क्योंकि सबसे अधिक मरीज इंदौर शहर से ही कोरोना के आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित हम कहें, ज़्यादा कोरोना पेशेंट्स की हम बात करें तो वो इंदौर शहर से आ रहे हैं। इंदौर एक तरह से एपिसेंटर है। हम रुक करेंगे इस खबर पर ज़्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। हमारे साथ अखिलेश हमारे संवाददाता इंदौर से जुड़ गए हैं। अखिलेश, ये वाकई अच्छी बात है कि बीते दिनों इंदौर में जिस तरह से एकाएक आंकड़े में बढ़ोतरी हुई थी, हैरान भी कर रहे थे आंकड़े और डरा भी रहे थे, अभी कुछ मामूली सी कमी आई है इन आंकड़ों में, क्या है अपडेट? बिल्कुल दीपक, ये वाकई हैरानी की और डराने वाली बात पे थी, जबकि लगातार जो मरीज थे वो कोरोना के जो सामने आ रहे थे, और उसी के तहत जो इंदौर शहर में जो दिसंबर का महीना अगर निकाल कर देखा जाए तो उसमें 9 से 10 दिन में 5000 मरीज सामने आए थे। इसमें 500 से ऊपर के जो मरीज थे वो रोजाना सामने आ रहे थे, और जिसमें से जो मौत का आंकड़ा देखा जाए दीपक, तो उसमें भी 3 मौतें रोज होता बताई जा रही थी। लेकिन दिसंबर जैसे ही दीपावली के बाद से ही जो प्रशासन ने जिस प्रकार से सख्ती की थी, और सख्ती के बाद से लगातार जो कोरोना के मरीज हैं उनमें गिरावट आई है, और जो पिछले 6 दिन का अगर वो आंकड़ा निकाल कर देखा जाए दीपक, तो इसमें 400 से नीचे भी मरीज सामने आए हैं और 400 से ऊपर भी मरीज सामने आए। लेकिन कहीं ना कहीं पर ये इंदौर शहरवासियों के लिए एक अच्छी खबर है कि जो कोरोना के जो मरीज हैं उनमें कहीं ना कहीं पर गिरावट आ रही है दीपक। अभी तक जो इंदौर शहर में 810 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है, वहीं जो अभी तक आंकड़ा अगर देखा जाए तो 50,000 के लगभग में इंदौर में कोरोना संक्रमित लोग हुए हैं, जिसमें से 43,000 लोग ठीक होकर रिकवर होकर अपने घर पहुँच चुके हैं दीपक। धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए अखिलेश हमारे साथ खबर पर जुड़ने के लिए। तो एकाएक की अच्छी बात है, आंकड़ों में जो बढ़ोतरी हो रही थी पहले उनमें अब ज़रूर थोड़ी सी कमी आई है, हालांकि अभी एक्टिव मरीजों की संख्या इंदौर शहर में 5000 से कम हो गई है।